नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे चैनल पे आपने बहुत सारे स्टार्टअप स्टोरी को देखा है। आज हम हैं डॉक्टर अजय के साथ में, जिनका एक स्टार्टअप है बोधिका। बोधिका है क्या और आखिर ये आगे काम कैसे करेगी, और साथ में इसका विज़न क्या है और कैसे ये मार्केट के प्रोडक्ट से काफ़ी अलग है, ये तो हमें सर ही बताएंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन स्टोरीज़ में। सबसे पहले थैंक यू मैम कि आप लोग हमारे ऑफिस में आए, और एक बोधिका को एक नई पहचान के रूप में अगर समझने को अच्छा है तो स्टोरी के लिए धन्यवाद। देखिए, बोधिका एक ऐसा वर्ड्स है जो कि भगवान बुद्ध से लिया गया। बोधिका मीन्स बुद्ध जैसा, कुछ ऐसा चीज़, ज्ञान वाला चीज़। तो हम लोग इसके बोधिका का जो है एक कॉस्मेटिक जो कि ब्रांड है, जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में आई है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से इसको काम कर रहे हैं। आजकल सर बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है हर चीज़ में। आप अगर बात करें कॉस्मेटिक की बात कर रहे हैं, तो आज मार्केट में बहुत कुछ आ चुका है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके सामने में, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल ठीक उसी तरीके से बहुत हेवी तरीके से किया जाता है। आप ऐसा क्या अलग दे रहे हैं? देखिए, केमिकल का जो यूज़ लोग कर रहे हैं, या चाहे कॉस्मेटिक में या अलग अलग साबुन की बात करें, लिक्विड सोप की बात करें, बॉडी वॉश करें, फेस वॉश की बात करें, हर ना कहीं ना कहीं किसी रूप में केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि प्राइस बार पूरा है, लोग सस्ती चीज़ पे लोग कुछ करना चाहते हैं, बट हम लोगों का वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि आप अगर केमिकल यूज़ करते हैं, कहीं कहीं किसी न किसी रूप को आपको स्किन डिजीज़ कॉज होती है। जैसे कि आप एक प्रोडक्ट SLS जो इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा झाग बनाती है, जो केमिकल बेस्ड होते हैं पूरा, लोग उसको यूज़ करते हैं, कहीं आप स्किन को रफ कर देते हैं। देखिए, स्किन केमिस्ट्री होता क्या है, जैसे स्किन जो होता है बेसिकली जो भी प्रोडक्ट है, सॉप की बात करते हैं या लिक्विड सॉप की बात करते हैं, वो हमारे स्किन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता हूँ। इससे हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो पेट के लिए जरूरी होता है, एनर्जी मिलती है, डेट में उसका न्यूट्रिशन मिलता है, तक हम बॉडी हमारा ठीक रहता है। उसी तरह एक हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो भी हमारा बोधिका का जो ब्रांड है, हम उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं स्किन को, ताकि स्किन हेल्दी रहे पूरा। कि हमारा ऐसा ऑब्जेक्टिव है नेचर टू हेल्थ रहेगा, डेट में केमिकल कोई नाम ही नहीं होगा। कुछ ऐसा इन्ग्रीडियंट हमारे पास है, जैसे कि ऑलिव ऑयल की यूज़ करते हैं हम लोग, कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं, हनी करते हैं, और भी हमारा हर्बल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जो कि एंटी एजिंग होते हैं, जैसे मंजिस्टा हो गया, आंवला हो गया। तो हम लोग ये सब मिल के हम लोग ये बनाए हैं, जो कि केमिकल फ्री है। सबसे बड़ी ये बात है कि हम लोग अपने लैब में बनाया है इसको। जिस तरीके से आप इनकी सोच को देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि एक बाहर 15-16 साल काम करने के बाद सर ने ये डिसाइड किया कि ये बिहार आके एक स्टार्टअप चलाएंगे अपना, और जो कि होगा नेचर फ्रेंडली होगा। दरअसल जब बात करते हैं हम कॉस्मेटिक मटेरियल्स की, तो माना ऐसा जाता है कि पूरे बॉडी का जो सबसे नाजुक पार्ट होता है वो होता है फेस। बहुत जल्दी कोई भी रिएक्शन यहाँ पर आपका दिखता है, अगर आप में कोई भी केमिकल वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो रैशेज आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग कैसे भरोसा करेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपके चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, भरोसा कैसे करेंगे कि ये जो है वो सर्टिफाइड है या फिर टेस्टिफाइड है? हमारा अपना मानना है कि जो मैंने 15 इयर्स जो काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद जो चीज़ मैंने सीखा है, उनको कुछ रिटर्न में अपने समाज को दें, उसको समाज तक इम्पैक्ट पड़े, तभी हमारा एक जीवन सार्थक है। हमारे सामने में कुछ प्रोडक्ट्स भी पड़े हुए हैं, जहाँ पे बोधिका का एक कैटल लिक्विड सोप है, आप देख सकते हैं इसको, जो बॉडी एंड फेस वॉश दोनों है सर। जी, हमारा है ऑल इन वन, आप हैंड वॉश कर सकते हैं, बॉडी वॉश लगा सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है, एक बजटी प्रोडक्ट है जो काफ़ी इफेक्टिव और केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। मतलब ये केमिकल फ्री है, बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं इसको कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें हैंड वॉश अलग कैरी करना पड़ता है कहीं जाने के लिए, फेस वॉश अलग कैरी करना पड़ता है, और साबुन या फिर बॉडी लोशन जो भी है। बट ये जो बोधिका का आप देख रहे हैं यहाँ पे लिक्विड सोप है, इसका इस्तेमाल आप हर चीज़ में कर सकते हैं। अगर आपको हाथ धोना हो, अगर आपको नहाना हो, तब भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, और फेस वॉश के लिए तो हो ही सकता है। और साथ में दावा ऐसा है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल प्रोडक्ट से बनाया गया है। और जैसा आप देख सकते हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं वो बोधिका का एक खूबसूरत सा लैब है, जहाँ की चीज़ों के बारे में हमें तो टेक्निकली नहीं पता, वो आप ही बता सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या मशीन्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये सारे जो मशीन आप यहाँ से जो देख रहे हैं मैडम, बेसिकली ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल्स लैब यहाँ पर है, जो कि साबुन जो हम मंगाते हैं, जैसे ऑयल हो गया, कुछ भी आता है, और
तो उसकी क्वालिटी क्या होती है। अब हर चीज़ की क्वालिटी तो हम लोग साबुन नहीं बना सकते हैं, पूरा उसकी क्वालिटी फिक्स पैरामीटर्स होती हैं, किस इंग्रेडिएंट से हम लोग कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, पूरा हर प्रोडक्ट हम लोग अगर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी इंग्रेडिएंट हम मार्केट से मंगाते हैं सबसे टेस्ट करते हैं लैब में, क्योंकि जब तक लैब में टेस्ट नहीं होगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम उसको प्रोसेस में नहीं लेते हैं। तो ये सारे जो मशीन आप लोग देख रहे हैं पूरा सारे वो इंग्रेडिएंट्स वो पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम लोग प्रोसेस हमारा ऑलरेडी है जो हमारी टीम प्रोसेस करती है। और सबसे बड़ी ये चीज़ को हैंडमेड हमारा है, ऐसा नहीं देखते हैं बहुत सारा बनाने के लिए हम लोग हैंडमेड क्लेम करते हैं, भले ही हम लोग टेस्ट करने के लिए डिफरेंट मशीन यूज़ करते होंगे बनता हैंडमेड ही है बट उसको टेस्ट करने के लिए मशीन लगाए गए। इसका मतलब ये एक फैक्ट्री नहीं है, एक आप रोजगार भी दे रहे हैं लोगों को। सबसे बड़ी बात अभी मुझे समझ आई कि ये बिल्कुल हैंडमेड है, ये यहाँ के महिलाएं, यहाँ पे 2-3 महिलाएं 4 महिलाएं जो भी जुड़ी हुई हैं वो हाथ से बनाती हैं अपने। तो हमारा इस तरह से पैरामीटर्स करते हैं, नहीं जो चीज़ हम बनाते हैं पहले हम अपने एश्योर बोर्ड लेते हैं जो पैरामीटर्स हैं, एक BIS होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पूरा, उसने साबुन बनाने के जो प्रोसेस हैं उसे क्वालिटी हैं उन्होंने पैरामीटर्स दे रखा है, आपको इसे कंप्लाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको कंप्लाइज करते हैं कि हमने जो बनाया है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उसको कंप्लाइज करते हैं कि नहीं, उसे पास होते हैं कि नहीं। तो हमारा जो इसीलिए बनाते हैं, बनाने के बाद अपने लैब खुद लैब में बना के उसको टेस्ट करते हैं कि हमारा साबुन जो कितना इको फ्रेंडली है, कितना स्किन के लिए ठीक है, तो सारा करने के बाद ही हम लोग इसको मार्केट में कस्टमर के पास बीच में देते हैं। मतलब सारी टेस्टिंग खुद पे पहले की जाती है कि स्किन फ्रेंडली है कि नहीं, इको फ्रेंडली है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरे लैब को आपने कहा कि आप अपनी तरह से सेटअप किए हैं, सर फाइनेंस तो बहुत ज़्यादा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ होगा। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हुआ है, देखिए मेरा अपना कॉन्सेप्ट है और ये स्टार्टअप ही है, कुछ काम ही अलग करते हैं पूरा, वो है कि नहीं। लोग मैंने जैसे कि बताया था आपको कि यहाँ पर जो नौकरी करते हैं, जब प्राइवेट जॉब करे या गवर्नमेंट जॉब करे, सबका एक ही सपना होता है अपना घर हो, अपना गाड़ी बंगला हो। मैंने अपना अभी तक कुछ नहीं लिया है और जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट हमारा ये चीज़ है, हमारे पास ये गाड़ी है बंगला जो बोलिए इससे हमारा खुद का लैब है जो कि इनोवेशन हम लोग करते हैं और इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। सर ने बड़ी अच्छी बात अभी कुछ देर पहले कही थी कि लोग अपनी सेविंग को इसलिए करते हैं ताकि वो बंगला खरीद पाएँ, गाड़ी खरीद पाएँ, लेकिन इन्होंने इसलिए सेविंग किया था ताकि वो एक ऐसे लैब को इस्टेब्लिश कर पाएँ जहाँ पर महिलाओं को रोज़गार दिया जा सके, साथ में आपको जो प्रोडक्ट्स दिया जाए वो बिल्कुल नेचर फ्रेंडली हो, बिल्कुल ऐसा हो जो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करे। एज अ लेडी, मतलब एज अ गर्ल, हमें बहुत ये रहता है कि अगर हम कुछ अपने शरीर पे अगर इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो भरोसा नहीं होता पहले कोई नई चीज़ को इस्तेमाल करने पे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बारे में क्या बोलिए? जो डरते हैं वो बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि ये एकदम प्लांट बेस्ड है और इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है। तो हम भी ये यूज़ करते हैं, तो एक हफ्ता के यूज़ करने के बाद हमको भी लगा कि ये यूज़ करना चाहिए, इस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ में प्रोसेसिंग भी देखेंगे कि आखिर होता कैसे, टेस्टिंग कैसे होती है या फिर उसकी पैकेजिंग कैसी होती है और बनता कैसे है। ये प्रोसेसिंग हो क्या रही है मैम? इसका जैसे हम लोग ने अब मटेरियल बना लिया जो भी है, पूरा प्रॉपर ये पैकेजिंग के लिए भेजा जाएगा, लेकिन उसके पहले हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे कि प्रॉपर टेम्परेचर है या नहीं, रूम टेम्परेचर पर फिक्स है या नहीं, सब चीज़ प्रोसेस करने के बाद ही हम लोग इसको फील करते हैं। इसे हम लोग ने फीलिंग के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये हैंडमेड है बिल्कुल भी, तो फुली हैंडमेड जितने काम होते हैं सारे हैंडमेड होंगे, हैंडमेड से होते हैं। जैसे अब हम लोग ये करने के बाद फील करना है मुझे, तो प्रॉपर मुझे इससे फील करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को प्रॉपर इस पर वेट लेके करना पड़ता है। इसे बेसिकली हम देखते हैं कि जब किसी को फ्लेवर ऐड करना होता है तो वो आर्टिफिशियल केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने बताया कि रोज़ के पेटल्स को अलग अलग करके उन्हें सुखा के, जैसे हम घर पे अपने गुलाब जल तैयार करते हैं वैसे यहाँ पर इस लैब में उस तरीके से गुलाब जल तैयार किया जाता है, और उसके फ्रेगनेंस को बनाने के लिए उस गुलाब जल का इस्तेमाल इस जो भी बॉडी शॉप है उसमें किया जाता है। यही है था ना? और इसके बाद की क्या प्रोसेसिंग है अगर कहीं और? ये पैकेजिंग हो गए, अब पैकेजिंग करने के बाद डायरेक्ट मार्केट में जैसे जाने के पहले कुछ टेस्टिंग होती है, जैसे pH मीटर होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, pH हो गए जैसे कितने pH प्रॉपर होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हो गई। अब वो लैब में यहाँ से काम होने के बाद वो लैब में जाएगा, यहाँ हमारे लैब में आएगा, जैसे यहीं पर हम लोग बनाते हैं, यहीं टेस्टिंग करते हैं, तो सारे पैरामीटर्स परफेक्ट होते हैं जैसे जिसके अनुसार ये बनते हैं, अगर उसके बाद ही हम लोग पास करके इसको मार्केट में सेंड करते हैं। यहाँ पर देख सकते कोई भी यहाँ पर कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया,
क्योंकि कलर कहीं ना कहीं केमिकल से ही बनते हैं और उसको ऐड करने के बाद फिर कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, दैट्स वाई इसको बिल्कुल न्यूड कलर में रखा गया है। और जिसको एक बार भरोसा हो गया कि बोदिका का ये जो साबुन है वो शायद उनके स्किन को बहुत सूट कर रहा है, तो उसके बाद दुनिया का कोई कलर अब वो लेना चाहेंगे नहीं। तो एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कोई आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल, इवन कि यहाँ फेबिकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है इसको चिपकाने के लिए। तो ये रही इसकी पैकेजिंग जो ये मैम कर रही है यहाँ पर, और हाइजीन का ध्यान रखते हुए इसको हाथ से भी नहीं फेविकॉल को लिया जा रहा है। तो ये मेरे हाथ में आ गया फाइनल टच, बोदिका का सोप आ गया मेरे हाथ में, जिसके नीचे लिखा है सॉल्यूशंस फॉर योर इरिटेटेड स्किन। आज के समय में जो हम खा रहे हैं उसका जो जितना भी रिजल्ट है वो हमारे चेहरे पे दिख रहा है, और इस चेहरे के रिजल्ट को और संवारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और नेचुरल लुक देने के लिए, जैसा कि यहाँ की जो लेडी थी वो भी कहीं कि इसको इस्तेमाल करने के बाद उन्हें काफ़ी ग्लोइंग एक फेस मिल गया। तो मेरे हाथ में जो आप ये बोदिका का एक सोप देख रहे हैं, आप भी इसके लिए आइए। और आपको कैसा लगा इनका स्टार्टअप और कितना प्योर लगा, इनके पूरे प्रोसेसिंग को हमने आपको दिखाया, इनके टेस्टिंग को आपको दिखाया, इन्होंने हमारे सामने साबुन को बनाया, उसको उसकी पैकेजिंग इनफैक्ट हमारे सामने हो रही है। हमें बताइएगा कि आपको ये स्टार्टअप कैसा लगा, और यहाँ की महिलाएं जो इतना काम कर रही हैं और बेहतर तरीके से टेक्निकल टर्म्स को जानती हैं और उनको पता है कि किस अमाउंट में कौन सी चीज़ें कितनी होनी चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए। और जुड़े रहिए हमसे अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।